टुडे वी हैव वेरी नाइस टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन अ डिफरेंस. एक अच्छा सा डिफरेंस लेकर आया हूं स्टूडेंट्स आपके लिए मैं. देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बार क्या होता है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है, शायद बचपन से ही हमें रटाते आ रहे हैं कि वर्ब टू कहां क्या लगना है, इन्फिनिटिव्स कहां यूज होना है. एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई भी टू यूज कर रहा है तो मैं हमेशा उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म देता हूं, वर्ब की मैं फर्स्ट फॉर्म देता हूं. शायद ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से है. लाइक आई लाइक टू गो, हमने आई लाइक टू गोइंग कभी नहीं सुना. हमने आई वॉन्ट टू प्ले, तो आई वॉन्ट टू प्ले कभी नहीं सुना, isn't it? मगर आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बिल्कुल आपकी दुनिया बदल देगा. आप जो रूल अपनी लाइफ में याद करते आ रहे हो, जो कि जिसमें आप क्या लगाते हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आज मैं आपके लिए एक यूनिक बात लेकर आया हूं जिसके अंदर आप टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मगर उस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, यानी कि आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे. चलिए कौन कौन से ऐसे एग्जांपल है जिसके अंदर आईएनजी लगता है, और ये हमारा जो कंसेप्ट है कि वर्ब के बाद टू के बाद कौन सा फॉर्म आनी है, वी वन आनी है, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल इसको रॉन्ग कर देगा. मेरे ख्याल से हमें इन कंसेप्ट में आ जाना चाहिए. देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा आपको, यदि टू किसी फ्रेजल वर्ब का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं लुक फॉरवर्ड टू, देखिए ध्यान से सुनो, लुक फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द पार्टी. देखो मैंने क्या बोला, टू अटेंडिंग, टू अटेंड नहीं बोला, नोटिस किया स्टूडेंट्स. तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ हमें यह भी मालूम होना चाहिए. देखिए यहां पर जो ये टू है ये इस लुक फॉरवर्ड का पार्ट है. हमें इस टू को अटेंड से कोरिलेट ना करके इस फ्रेजल वर्ब का पार्ट का वर्ब मानना है, इसलिए यहां पर आगे हमें अटेंडिंग द पार्टी यूज करना है, इजंट इट? तो मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, नोटिस में लाओ, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि ये जो लुक फॉरवर्ड टू है हमें इसे एक साथ बोलना है, एक साथ मानना है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब एंड टू इज इंक्लूडेड इन इट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आईएनजी आफ्टर दैट. तो ऐसे रूल्स के अंदर हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे टू के बाद, हम लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम बोलते हैं वी1 प्लस आईएनजी. चलिए हम अपने सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि कहां पर ऐसा होता है. अब मैं सेकंड पॉइंट पर आपके पास जाऊं, उससे पहले मैं आपको एक यूनिक बात बताना चाहता हूं जो मैं यहां नहीं लिखी, ताकि मेरे वीडियोस को आप बिल्कुल सिर्फ ये ना सोचें कि जो सर ने लिखा है वही एक्सप्लेन कर रहे हैं. मैं आपके साथ तीन वर्ब्स, नई वर्ब्स डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स. अगर आप उन वर्ब्स को अच्छे से देख लो, अगर आप उन वर्ब्स को समझ लो, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ और भी नई बात पता लगेगी फ्रेजल वर्ब्स के अलावा. देखिए मेरी पहली वर्ब है कन्फेस्ड, दूसरी है रिसॉर्टेड, तीसरी है ओपोस्ट. कन्फेस्ड, रिसॉर्टेड, ओपोस्ट, मैंने तीन वर्ब उठाई है. ये तीन वर्ब्स भी टू को हमेशा अपने साथ ही एज्यूम करती है. अगर मुझे एग्जांपल बनाना है, ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग, ही रिसॉर्टेड टू अब्यूजिंग, he opposed to living in desert, he opposed to living in desert, he resorted to abusing, he confessed to stealing. notice my love students, maine kya likha, maine kuch aisi verbs use kari hai, particular phrasal verb ki baat nahi kar raha hu ab aapke samne, main aapke samne kuch verbs ki baat kar raha hu jo bhi to ke sath hamesha un verb ki first form leti hai jiske sath ing aata hai, yani ki verb ki फोर्थ फॉर्म लेती है. तो ऐसी भी कुछ वर्ब्स है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कन्फेस, रिसॉर्टेड, ऑपोज, अगर कुछ ऐसी वर्ब्स है तो हमें उन वर्ब्स का भी ध्यान रखना चाहिए. स्टूडेंट्स मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं आपके साथ, टू इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव. यदि कभी टू हमारा एडजेक्टिव हो, किसके पार्ट का, एडजेक्टिव के पार्ट का बनाओ. एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले बोला था आई ओपोज, मगर अब की बार मैं एक नई लाइन बोलने जा रहा हूं, आम ओपोज, आम, मैं आई ओपोज नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आम ओपोज, आई एम ओपोज टू इंक्रीजिंग टैक्सेस, आई एम ओपोज टू, यहां पर मैं इसे एडजेक्टिव के रूप में ले रहा हूं, मगर ओपोज टू को मैं एक साथ एज्यूम करके चल रहा हूं. गॉट इट? ओपोज टू को मैं एक साथ एज्यूम करके चल रहा हूं. मैं एक नई वर्ब लेता हूं आपके साथ, एकस्टम टू. मेरे ख्याल से एकस्टम टू वर्ब आप अच्छे से जानते होंगे, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट. शी इज नॉट एकस्टम टू बीइंग ट्रीटेड सो वेल, शी इज नॉट एकस्टम टू बीइंग ट्रीटेड सो वेल. टू लगाया मगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई. नोटिस में लाओ स्टूडेंट्स कि जहां पर एडजेक्टिव हमें टू के साथ इन्वॉल्व हो, opposed to, accustomed to, ऐसे में भी हम verb की fourth form ही लगाएंगे, verb की first form नहीं लगाएंगे. चलिए हम अपने third part पर चलते हैं. Yes. Good morning. Sir, मैं अपने friends से कुछ बात करना चाहती हूँ. Okay. You can handle the speech. Hello friends. We have set up three books. First is 70 ways spoken English. Second is universal interview and group discussion both of Hindi and English. Third is MR interview.
थैंक यू वेरी मच सोफिया, रियली आपने हमारा एडवर्टाइज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. स्टूडेंट्स, हम आपको 7 डेज के लिए यहाँ पर इन्वाइट भी करते हैं, अगर आप आना चाहें तो हमारे पास विद इन 7 डेज हम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको इंटरव्यू वगैरह प्रिपेयर बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं. तो आप हमारे पास 7 डेज के लिए आ सकते हैं, आपका फूड अकोमोडेशन हमारे तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमारी बुक्स वगैरह भी मंगवा सकते हैं. चलिए हम वापस अपनी पढ़ाई में चलते हैं जो कि आज बहुत जरूरी है. देखिए स्टूडेंट, अब जो मैं आपके लिए बात लेकर आया हूँ वो बहुत यूनिक है. वो पर्टिकुलर है कि टू इज अ पार्ट ऑफ नाउन. क्या हो जब टू नाउन का पार्ट हो. एग्जांपल्स मैंने कुछ लिया आपके लिए, एडिक्शन टू, डेडिकेशन टू. चलिए मैं इनके साथ एक लाइन बनाता हूं आपके साथ. हिज एडिक्शन टू गैम्बलिंग हैज कॉज्ड लॉट्स ऑफ स्ट्रेस. हिज एडिक्शन टू गैम्बलिंग हैज कॉज्ड अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेस. देखो स्टूडेंट, ऐसे वर्ड के अंदर जहां पर मैंने एडिक्शन टू बोला, मैंने आगे गैम्बलिंग लिखा, मैंने गैम्बल नहीं लिखा. नोटिस माय लव स्टूडेंट्स, मेरा अगला जो वर्ड है दैट इज डेडिकेशन टू. Her great dedication to teaching inspires me. Her great dedication to teaching inspires me. मुझे बहुत इंस्पायर करता है उसका great dedication to. मैंने teach नहीं लगाया, मैंने teaching लगाया. आपने नोटिस किया स्टूडेंट्स, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो फ्रेजल वर्ब्स हो, अगर वो टू को एड ऑन कर रही है तब हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे. यानी कि आज के बाद आप जो रूल सीख रहे थे, रूल आप हमेशा सीखते थे 2+V1, वो रूल अब नहीं लगेगा. अच्छा चलिए मैं आपके साथ एक और छोटी सी बात को शेयर करना चाहूंगा. मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है यूज्ड टू. आप इस यूज्ड टू को देखकर जरूर इसको मुड़ाल समझ रहे होंगे. आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेला करता था. इजंट इट, जो भी काम आप पहले किया करते थे वो आप यूज्ड टू लगाते हो. मगर स्टूडेंट अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, हाँ यहां पर इस मुड़ाल के अंदर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, मगर ये यूज्ड टू कभी कभी आदतानुसार भी बताता है, व्यक्ति की हैबिट भी बताता है. जैसे अगर मेरे को कुछ बोलना है, मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद है, मैं स्विमिंग रोज करता हूं, मैं किया करता हूं, ऐसा कुछ बताना है मुझे, तो मैं बोलूंगा आई एम यूज्ड टू स्विमिंग. अंडरस्टूड? आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट. मैंने आई यूज्ड टू नहीं बोला है, मैंने बोला है आई एम यूज्ड टू. देयर इज अ डिफरेंस स्टूडेंट्स. अगर आपको ऐसा मुड़ाल यूज करना है तो बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए. मगर अगर आपको इसे किसी की हैबिचुअल बात बताने की, यार ये आदत है, इसको आदत है इस बात की, देन आई एम, ही इज, यू आर, तो यू आर यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, आम, तो मैंने बीच में एम लगाया, इज लगाया, आर लगाया, जो कि मुड़ाल में नहीं लगता है. तो यहां पर ये यूज्ड टू बिल्कुल बेसिक, मैं कहता हूं वर्ब की तरह यूज होती है. ऐसे के अंदर हम आईएनजी जरूर लगाते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग. नॉट एट ऑल, बट मैंने लाइन बना ली थी. स्टूडेंट मेरे ख्याल से आप इस टॉपिक को क्लियर हो गए होंगे कि सिर्फ हमें ये रूल याद नहीं रखना है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. हमेशा ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आज की दुनिया में हर चीज पे एक्सेप्शन है. उसी तरीके से टू के बाद हमें वर्ब की कभी कभी फोर्थ फॉर्म भी लगानी पड़ेगी, वो होती है वी वन प्लस आई एन जी. मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत सोबर और छोटे से रूप में समझ में आ गया होगा. और होप आप हमारे नए नए लेक्चर्स को देख रहे होंगे. हम कोशिश ये करते हैं कि नई नई क्रिएटिविटी हमारे लेक्चर्स में डालें और आपको जरूर बेनिफिट दे. ये एजुकेशनल चैनल अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करते हो, हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स. थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय.